अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5 में कह रहा है, लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2020 बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स। ये कह रहा है कि आपको एक कैलेंडर दिया गया है 2020 का, नीचे दिए सवालों को पढ़ें और उनके आंसर दें। पहला सवाल है हमारे पास, राइट डाउन द नंबर ऑफ फ्राइडेज ड्यूरिंग द ब्राज़ील सेबर सेलिब्रेशन। ये कह रहा है कि ब्राज़ील में जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें कितने फ्राइडेज आते हैं, उनके नंबर लिखें। तो ब्राज़ील फेस्टिवल में जो है वो 4 जो है वो त्यौहार आते हैं, 4 FOUR 4 त्यौहार आते हैं। मैं यहाँ रफली लिख लेता हूँ, 4 आप लिखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और दूसरा है, बैक्ट्यू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट ट्यूजडे। जो बैक्ट्यू फेस्टिवल है, त्यौहार है, वो मनाया जाता है पहले मंगल को इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में, एवरी ईयर हर साल। व्हाट डेट इज इट इन द 2020 कैलेंडर। तो वो कौन सी डेट होगी 2020 वाले कैलेंडर में, तो वो ट्यूजडे 7th जुलाई होगी। TUE का शॉर्ट फॉर्म, ट्यूसडे का शॉर्ट फॉर्म है, ट्यूसडे 7th एंड जुलाई, ट्यूसडे 7th जुलाई दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल है, विच डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के कौन से दिनों में इज़ द संक्रांत फेस्टिवल। संक्रांत फेस्टिवल जो है वो होता है हफ्ते के कौन से दिनों में, तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ, मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, मैं कैलेंडर में टिक कर लिया है, एम फॉर मंडे, टी फॉर ट्यूसडे एंड डब्ल्यू फॉर वेनसडे। ये 3 दिन थे जिसमें फेस्टिवल ये मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इसमें डाउट हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा।